डार्क अंडरआर्म से छुटकारा पाने के लिए लगाएं आलू का रस। वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली हेल्थ केयर में, जहां हम आपको बताते हैं हेल्थ से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी हेल्थ को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए डेली हेल्थ केयर के साथ। दोस्तों हम आपको बता रहे थे डार्क अंडरआर्म से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से आलू का रस इस्तेमाल किया जाए। अगर आलू के रस के साथ जरा सी हल्दी, नींबू और खीरा मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाया जाए तो समझिए कि आपके काले अंडरआर्म्स की समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। हमारे शरीर में ऐसे ही कुछ हिस्से होते हैं जो बार बार रगड़ खाने से अपने आप ही काले पड़ जाते हैं। इनमें से एक है आपके अंडरआर्म्स। अंडरआर्म्स अगर काले हैं तो स्लीवलेस कपड़े पहनने में काफी दिक्कत आती है, मगर अब आप चिंता मत कीजिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा ही प्राकृतिक ब्लीच जिसको अपनाकर आप अपने घर पर ही काले अंडरआर्म्स से छुटकारा पा सकती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए आलू का रस, जो कि इस मामले में सबसे ऊपर होता है। अगर आलू के रस के साथ नींबू, खीरा और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाया जाए तो समझिए कि आपके काले अंडरआर्म्स की समस्या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि इसको किस प्रकार तैयार किया जाता है। इसके लिए आप एक कटोरा लें और उसमें एक बड़ा सा आलू छील कर उसमें कद्दूकस कर डालें। फिर इस आलू को पीस कर पेस्ट बना लें। एक कपड़े से इस पेस्ट को छान कर उसका रस अलग कर लें। ये आलू का रस प्राकृतिक ब्लीच की तरह से काम करेगा और अंडरआर्म्स के कालेपन को मिटा देगा। इसके बाद आलू के रस में नींबू की 5 बूंदें डालें और मिक्स करें। नींबू में विटामिन सी होता है और साथ में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, जिससे डेड स्किन निकलती है और झाइयां भी दूर होती हैं। इस मिश्रण में चुटकी भर हल्दी मिलाना ना भूलें। हल्दी से अंडरआर्म्स में अत्यधिक पसीना आना बंद हो जाता है और साथ ही किसी भी प्रकार का संक्रमण भी दूर हो जाता है। अब एक छोटा सा खीरे का टुकड़ा लें और कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लें। कद्दूकस किया हुआ टुकड़ा एक मिश्रण जैसा बन जाएगा और इसका पेस्ट तैयार करके इसमें से रस को अलग कर लें। खीरे के रस से आपके अंडरआर्म में बदबू नहीं आएगी। हमें इस रस में से सिर्फ 1 चम्मच मिश्रण में मिलाना है। अब अपने अंडरआर्म्स को सादे पानी से धुल लीजिए और फिर हल्का सा साबुन भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अंडरआर्म्स को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। अब आपने जो घोल बनाया था उसमें छोटी सी रुई डुबोएं और उसे अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं। इस रस को 15 से 20 मिनट तक लगाए रखें और फिर तौलिए को गर्म पानी में डुबोकर उससे अंडरआर्म्स को पोंछ लें। अब अंडरआर्म्स को पूरी तरह से सूख जाने दें और उस पर गुलाब जल लगा लें। गुलाब जल से वो एरिया टोन हो जाएगा और त्वचा मुलायम बन जाएगी। आप जितना हो सके उतना डिओड्रेंट से दूर रहें। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो आप कॉर्न स्टार्च लगा सकते हैं। इससे वो एरिया सूखा रहेगा और उसमें से बदबू नहीं आएगी। निष्कर्ष, अगर आपके अंडरआर्म्स पर कोई ताजा घाव या दाने हैं तो आलू का ये मास्क लगाने से बचें। यदि सब कुछ ठीक है तो इस मास्क को कुछ महीनों तक रोज अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं और आप कुछ ही दिनों में पाएंगी कि आपके अंडरआर्म्स का डार्क कलर साफ हो रहा है। दोस्तों हमारा ये उपाय आपको कैसा लगा तथा इसको इस्तेमाल करने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकती हैं। देखते रहिए डेली हेल्थ केयर।